और आज का सत्संग शुरू करते हैं, निहारिका कपूर आंटी को इनवाइट करते हैं। निहारिका कपूर आंटी आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम। सबसे पहला गुरुजी को प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरुजी का कि उनकी कृपा से आज सावन के मंडे पर मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। आई फील सो ग्रेटफुल। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही मेरी पूरी फैमिली पर रही हैं, एंड वी ऑल कंसिडर आरसेल्व्स लकी, एंड आई फील आई एम कनेक्टेड एंड आई एम एसोसिएटेड विद हिम। सो आई फर्स्ट वेंट टू एम्पायर स्टेट मंदिर इन 1999। आई वेंट विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर एसोसिएटेड विद गुरुजी सिंस 1995। So I was in school at that point in time, and I was living in Ludhiana with my parents. So whenever I used to come to my grandparents' house, and whenever they used to visit Guruji, so I used to accompany them. I, being a religious person, I always respected all forms of God. But my actual connection with Guruji happened in 2014. So to be very, very precise, this is January 2014 when he first came in my dreams and उन्होंने मुझे बोला कि कोई बीमारी आन वाली है, पर तू फिकर ना करी, सब ठीक हो जाएगा। That's how the dream ended. And when I got up, I was really upset and I was worried as to, you know, what was about to happen. So this was January, and in May 2014, my sister, she is my younger sister, she got detected with a rare disease. And she was just 23, 24 at that point in time, and we all were very, very depressed as to, ab hume kya karna chahiye, what is in store for us, we didn't know. So since Guruji has told me about this illness, so all I could think at that point in time was Guruji's name. And I knew that I had full faith in him and he only will rescue me through this. So I took my sister to Bade Mandir. And I think Thursday or Friday ka din hoga. Hum normal 6:30 baje gaye the. Satsang pehle bhajan sun rahe the aur uske baad humne langar prasad karna tha. तो वहां बैठे बैठे वो रोने लग गई। तो जब वो रोने लग गई तो एक सेवादार अंकल वहां पे थे जिन्होंने जो आए और हमें पीछे की किचन में ले गए, और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ आंटी। तो पूछने के बाद उन्होंने हमें एक समोसा प्रसाद दिया और कहा कि आप ये प्रसाद खा लो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मेरी सिस्टर ने उन अंकल से कहा कि गुरुजी, मुझे तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल ही सादा खाना खाने को कहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे समोसा खाना या बाहर का खाना अलाउड है कि नहीं। तो उस पे वो अंकल ने हमें बताया कि अरे, ये तो गुरुजी का प्रसाद है, इससे तो सब ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर हमने भी दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद, सारा प्रसाद खत्म किया और हम वापस घर आ गए। मतलब पूरा सत्संग अटेंड करके सब घर आ गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके फिर से टेस्ट हुए, और जो टेस्ट में जो रिजल्ट्स थे उनमें मिराक्युलस इंप्रूवमेंट थी। मतलब डॉक्टर्स भी बहुत खुश थे कि मतलब द होल प्रोसेस इज गोइंग वेरी वेरी वेल। इसी दौरान, आई थिंक ये उसी सत्संग के दौरान की ही बात है जब हम मंदिर में बैठे हुए थे, जिस दिन वो रो पड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि गुरुजी ने मुझे कुछ साल पहले मेरे हाथों में एक लॉकेट दिया था ब्लेस करके अपने हाथों से। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं वो लॉकेट तो उसको दे दे और उसको कहना कि वो कभी भी नहीं उतारेगी अपने गले से। तो जैसा गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट किया, जैसा मुझे थॉट आया, मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया और उसे यही कहा कि गुरुजी की ये आदेश है कि तुम कभी भी ये लॉकेट मत उतारना। तो उसने, क्योंकि उसके टेस्ट होते थे तो एक्सरे एमआरआई में आपको कुछ भी मेटल पहनना अलाउड नहीं है, तो आई थिंक उसने एक बार अपना, जब टेस्ट के लिए जा रही थी, लॉकेट उतारा और कुछ दिनों तक उसको वो पहनना भूल गई। मतलब 2-3 दिन हो गए उसके मन से, ध्यान से निकल गया कि अरे, मेरे को लॉकेट वापस पहनना है। इसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट छोटा सा था, ज्यादा थोड़ी खरोंच वरोच आई और ज्यादा चोट नहीं लगी गुरुजी की कृपा से। पर एक्सीडेंट के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने वो लॉकेट पहना था, तो उसने मुझे बोला वो तो मैं पहनना भूल गई, वो मैंने उतारा था और मैं पहनना भूल गई। तो मैंने फिर से उसको बोला कि नहीं, वो नहीं उतारना, और गुरुजी ने जब हमें बोला है तो हमें नहीं उतारना।
उसके कुछ महीनों बाद, कुछ महीने गुजर गए और कुछ महीनों बाद उसका बर्थडे था. सो बर्थडे ईव थी एंड सिंस लाइक आई सेड शी वाज 23 or 24 अराउंड दैट पॉइंट इन टाइम. तो उसका बर्थडे ईव थी, पार्टी थी. तो उसने मतलब उसको लगा कि लॉकेट मेरी ड्रेस के साथ नहीं जा रहा और मैं अभी बस पार्टी के लिए उतार देती हूँ, आते ही फिर पहन लूंगी. तो वो तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई और वो उतार के पार्टी पर चली गई. उसी रात, एग्जैक्टली उसी ईव की रात पे अगेन मुझे गुरुजी सपने में आए और मतलब मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी और वो लॉकेट मेरी आंखों के सामने था और उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें वो लॉकेट फिर उतारता. एंड आई वाज लाइक रियली सरप्राइज दैट सिंस आई हैव टोल्ड हर तो ऐसा तो कैसे हो गया. So in the morning when I, as I woke up, I, the first thing I did was to call her, and before even wishing her, I asked that, are you wearing that locket? So she said, oh my God, how did you come to know? मैंने उसको बताया कि कैसा मुझे ड्रीम आया और गुरुजी ने ही मुझे मतलब बताया. तो उसके बाद वो भी समझ गए और हम भी समझ गए कि अरे इसमें तो इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि मतलब उन्होंने इसमें इतनी पावर डाली है इस लॉकेट में कि वो हर टाइम उसको हर एक इलनेस से या हर एक बीमारी से प्रोटेक्ट कर रही है. And I am very, very sure and I believe that कि जब तो गुरुजी की blessings हैं हमारे साथ, उसको कोई भी ailment या कोई भी बीमारी touch भी नहीं कर सकती. Such are his miracles. I am so thankful with folded hands. I mean, what he has shown us is just miraculous. This is something, a miracle for us. ऐसा ही एक और इन्फ्लुएंस है मेरे पास जिसमें गुरुजी स्वयं प्रकट होकर गुरुजी ने हमें बचाया. मेरे फादर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है लुधियाना में और कुछ साल पहले वो एक हॉस्पिटल रन करते थे 4 पार्टनर्स के साथ. तो उसमें से एक पार्टनर के साथ उनका डिस्प्यूट हो गया. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2000. सो वन डे ही वाज लाइक इट वाज 7:38 इन द नाइट एंड ही वाज कमिंग बैक होम और मतलब अपनी क्लिनिक और हॉस्पिटल के बाद वो घर आ रहे थे. और जो रोड उन्होंने ली वो थोड़ी सी लोनली रोड है, वो शॉर्टकट है हमारे घर को, तो वो रोड हम अक्सर ले लेते हैं पर उस पर कोई रश नहीं होता क्योंकि वो बैक लेन है. तो सडनली जिस रात वो आ रहे थे उस रोड से, किसी ने उनको फॉलो किया और किसी ने रोक कर उन पे अटैक किया क्योंकि रोड लोनली थी. तो मतलब कोई भी नहीं था रोड पे. तो सडनली एक कोई इंसान आता है जिसको हम नहीं जानते और वो मेरे फादर को रेस्क्यू करता है. तो आज के दिन पर अगर हम सोचें तो सुनसान रोड पर कौन रुकता है और स्पेशली जहां लड़ाई चल रही हो तो आजकल कौन रुकता है, कौन किसी को बचाता है, सबको अपनी जान प्यारी है. तो हमारे लिए तो वो इंसान एक बिल्कुल साक्षात गुरुजी, मतलब आई एम सो श्योर दैट वाज गुरुजी हिमसेल्फ. वो गुरुजी का ही रूप था जिन्होंने आकर मेरे फादर को बचाया और उनको रेस्क्यू किया. तो जब मेरे फादर घर आए उस रात, उन्होंने ये बात आई थिंक अपने पेरेंट्स से, मेरे दादा दादी से शेयर की और मेरे चाचा जी को ये बात जब पता चली, ये इंसिडेंट का पता चला, तो उनके वो भी घबरा गए और उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी का ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा. तो वो जब जाप कर रहे थे तो जाप में वो बहुत लीन हो गए और लीन होके उनके सपने में गुरुजी आए और उन्होंने देखा कि गुरुजी ने मेरे फादर को एक बबल में रखा हुआ है, एक शील्ड में रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि इनको तो कोई छू भी नहीं सकता. मतलब ये बात हमने इतने सालों बाद रिलेट की कि अरे वो तो साक्षात गुरुजी का ही रूप था और गुरुजी ने ही आके हमें बचाया, हमारी रक्षा की. मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी को थैंक करने के लिए. अगेन आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम लकी दैट गुरुजी की डायरेक्ट दृष्टि, डायरेक्ट कृपा मेरी पूरी फैमिली पर है. कैसे उन्होंने मेरी सिस्टर को, मेरे फादर को बिल्कुल ही मिराकुलस एस्केप करवाया. एक और इंफ्लुएंस है मेरे पास जिसमें फिर से गुरुजी ने हमें साक्षात दर्शन दिए, वही मैं सुनाना चाहूंगी.
दो साल पहले की बात है, मेरी ग्रैंड मदर ने, वो गुड़गांव में रहती हैं, उन्होंने अपने घर एक छोटा सा सत्संग ऑर्गेनाइज किया था, जनरल गुरुजी को थैंक्स करने के लिए। हम बस फैमिली के ही 10-11 लोग थे और छोटा सा सत्संग रखा गया। तो सत्संग के दौरान मेरा बेटा, उसका नाम है आरव, उसको गुरुजी के चरण के दर्शन हुए। He was around 8 years at that point in time and he couldn't understand what he saw. सत्संग के बाद उसने मुझे बताया कि उसने दो बहुत बड़े फीट देखे जिसमें से लाइट आ रही थी, एंड जैसे ही उसने अपना नजर ऊपर उठाई वो वैनिश हो गए। सो ही एक्चुअली ही डिडंट नो कि क्या था। तो मैंने उसको बताया कि यू आर वन ऑफ द लकी वन कि गुरुजी ने आपको साक्षात दर्शन दिए, अपने चरण के दर्शन दिए। तो आई एम सो थैंकफुल, मुझे इतनी खुशी होती है ये जानकर कि उस बच्चे को ऐसा दृश्य देखने को मिला। इसी से रिलेटेड मेरे बेटे से रिलेटेड ही एक बात है कि कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले, एक्चुअली 1-2 महीने पहले, मेरी दादी जी के सपने में भी गुरुजी आए और उन्होंने इसी बच्चे के बारे में, आरव के बारे में, मेरे बेटे के बारे में बताया उन्हें, मेरी दादी जी को, कि ये बच्चा आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। तो ये सोचकर और ये सुनकर और ये जानकर मुझे बहुत तसल्ली होती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने इतना स्पेशल कृपा दी उस बच्चे पर और गुरुजी का एक तरह से वो स्पेशल बच्चा बन गया है। तो आई होप वी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड वी कांट थैंक यू इनफ फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स व्हिच यू हैव बीन शावरिंग ऑन ऑल ऑफ अस। गुरुजी इतने फार साइटेड हैं कि मैं बहुत पहले की बात है, मैं कई बार मुझे ये अवसर मिला कि मैं गुरुजी से मिलूं, तो उसी एक बार की बात है कि गुरुजी हमारे घर पर आए थे, वही मेरे दादी जी के ही घर पर, उनका हाउस वार्मिंग था, उसके लिए वो आए थे। तो जाते जाते उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि पंजाबी मुंडा मिलेगा तेनू, and I belong to a Kayasth family and usually Kayasth marry in the same community, in Kayasth only. So my parents were also looking for prospective matches in the same community. So here I am after so many years, happily married to, as he said, my Punjabi munda. Now when I talk about farsightedness, ये तो हम सबको पता है कि फैमिली का अगर एक जना भी गुरुजी से जुड़ जाए तो पूरी फैमिली का कल्याण तो निश्चित ही है। लेकिन जो मैंने, अब मैं अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी, उसमें हम ये जानते हैं कि गुरुजी की दया दृष्टि सिर्फ फैमिली तक नहीं पर पूरे फ्रेंड सर्कल या पूरे जानकार लोगों तक भी रहती है कि कैसे गुरुजी सबके बारे में सोचते हैं और कैसे उनको ब्लेस करते हैं। इसी बारे में ही अब ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है। कुछ साल पहले मेरे फादर ने अपने घर एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें कई सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स आए थे। उनमें से एक फैमिली फ्रेंड जो आ रहे थे, उनकी डॉटर को कैंसर था। पार्टी से बिल्कुल एक रात पहले गुरुजी मेरे फादर की ड्रीम में आए और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर में पार्टी है, पर तुमने उस लड़की को ये सत्संग, ये शब्द सुनाना है। उन्होंने वो शब्द मेंशन किया कि कौन सा शब्द, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ, बट वो उन्होंने उनके ड्रीम में बताया कि ये पर्टिकुलर शब्द तुम उसको सुनाना, कड़ा प्रसाद खिलाना और मंत्र जाप सुनाना, और उसके बाद डोंट वरी, यू कैन कंटिन्यू विद योर पार्टी। मत सोचो कि गुरुजी का सत्संग हुआ है तो हमें नॉन वेज नहीं खाना या हमें ड्रिंक्स नहीं करनी। तो ही वाज सो अंडरस्टैंडिंग एंड ही वाज कैसे वो सोच करके उस बच्चे को बीमार है मुझे उसे ब्लेस करना है, कैसे वो अपनी दया दृष्टि सब पर दर्शाते हैं।
सो मतलब इतना क्लियर और इतना अंडरस्टैंडिंग उनका वो सपना था कि मतलब पता चलता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मतलब हम सब पर, हमारे सारे जानकार, सब फ्रेंड्स, सारी संगत पर रहती है. एंड में मैं बस यही बताना चाहूंगी कि मैंने क्या लर्न किया जो इतनी बार मैं सालों से मंदिर जा रही हूँ और जाके बार बार विद कोर्स ऑफ टाइम यू नो व्हाट जैसे मेरा फेथ ग्रो किया गुरुजी में और मैंने क्या लर्न किया वहां जाकर. तो जब मैं सबसे पहली बार बड़े मंदिर गई तो मैंने शिवलिंग देखा, बड़ा शिवलिंग देखा जो मंदिर के ऊपर है, दरबार के ऊपर है. तो मेरे मन में, क्योंकि मैं बचपन से शिव भक्त हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को भी शिव जी की पूजा करते देखा है, तो मुझे वही पता था. तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मतलब एक थॉट मेरे मन में क्रॉस की कि मतलब मैं पहले शिवलिंग के सामने प्रणाम करूं कि पहले मैं गुरु जी के सामने प्रणाम करूं. तो जब ये थॉट मेरे मन में आई तो और मैंने दरबार एंटर किया, हॉल एंटर किया, तो वहां पे जो शब्द चल रहा था उसमें उस बात का आंसर था कि ये तो एक ही है, शिवलिंग और गुरुजी एक ही हैं. हमारा तो मंत्र जाप भी यही कहता है कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. तो गुरुजी तो साक्षात शिव जी का ही रूप है. और वो सुनकर मतलब बहुत तसल्ली मिली और एक वो हो गया कि अरे ये तो मैं शिव जी के ही मंदिर में आ गई हूँ. एक और बात है जो कि मुझे सीखने को मिली वो ये है कि गुरुजी की सारी संगत गुरुजी की प्यारी संगत है और गुरुजी के लिए वो सारी संगत एक है. मुझे पहले हमेशा जब थाली शेयर करना होता था तो मुझे बड़ी हिचक होती थी कि मुझे किसके साथ बैठना पड़ेगा, या मैं अपने मन में कोशिश करती थी कि मैं अपने नोन लोगों के साथ बैठूं और उन्हीं के साथ मैं थाली शेयर करूं. पर ऐसा होता था हमेशा मेरे साथ कि मैं जब भी मतलब चाहे मेरे कितने ही लोगों के साथ गई हूँ, मुझे हमेशा अननोन लोगों के साथ या कई बार अननोन लोगों के साथ ही बैठना पड़ता था और थाली शेयर करनी पड़ती थी. और मतलब ये बार बार हुआ है कि मतलब मैं अपने मन में सोचती हूँ अरे मैं तो यहीं बैठूंगी पर मुझे कहीं और बैठना पड़ता है. तो उससे मैं यही कहती हूँ कि मुझे सीखने को मिला कि गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि सारी संगत एक है. मतलब आइडिया लंगर का यही है और गेटिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर. तो हमें अपने मन में कोई भी वहम नहीं रखना चाहिए और सारे वहम दूर कर देने चाहिए इस बारे में. ऐसा ही एक और वहम जो कि अब मैंने दूर कर दिया है वो ये था कि मैं व्रत, जैसे अगर मैं काफी व्रत रखती हूँ, जैसे मेरा शिवरात्रि का व्रत है या मंडे का व्रत है, और अगर मैं शिवरात्रि पे मंदिर जाती हूँ या मंडेस को जब मैं मंदिर जाती हूँ तो पहले मैं नमक, ये सोच के कि ओहो मुझे तो नमक नहीं खाना, मेरे व्रत में नमक नहीं है, नहीं करती थी, नहीं खाती थी. तो विद टाइम मुझे यही सीखने को मिला कि अरे हम तो स्वयं भगवान के ही घर में बैठे हैं, मतलब इस प्रसाद को हम कैसे मना कर सकते हैं. हमारे लिए तो गुरुजी ही साक्षात भगवान है, हमें तो इतना कुछ गुरुजी ने ही दिखाया है. तो अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ती उस प्रसाद को ग्रहण करने का और मुझे पूरा विश्वास है कि यही खाके मतलब यही मेरे लिए अमृत है. और मैं मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द मंदिर एंड सीकिंग हिज ब्लेसिंग्स एंड हैविंग द चाय प्रसाद एंड समोसा प्रसाद एंड द लंगर प्रसाद एवरी टाइम. So I think with all these learnings, I have emerged as a happy person and a better person. एंड में मैं अगेन शुक्राना गुरुजी का करना चाहूंगी कि उन्होंने ही आज मुझसे यह सत्संग बुलवाया है. थैंक यू टू माय फैमिली हु एक्चुअली टोल्ड मी दैट यस आई कैन डू इट. एंड गुरुजी मे योर संगत कीप इंक्रीजिंग मेनी मेनी फोल्ड्स विथ ईच डे एंड मे वी हैव मेनी मोर सत्संग्स टू शेयर इन द फ्यूचर विद द संगत. थैंक यू सो मच प्यारी संगत मेरा को सुनने के लिए. थैंक यू सो मच अंकल. जय गुरु जी. नेक्स्ट हमारे साथ नंदिता आंटी हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट नंदिता आंटी आए एंड सत्संग शेयर करें. जी
मेरे को गुरुजी को मिलने का सौभाग्य हुआ था 2004 में, और मैं आपको वही सब नरेट करूंगी जो मेरी जेन्युइन अंदर से फीलिंग्स थी. मेरी ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, बेनाइन था, पर उस टाइम सब गड़बड़ा गए थे घर में कि क्या होगा कैसे होगा. और हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो गुरुजी के बहुत पुराने जाने, गुरुजी के पास बहुत जाते थे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं गुरुजी के पास जरूर जाऊं. मैं ऑनेस्टली जब पहली बारी गुरुजी के गई तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या एक्सपेक्ट करूं ना. उनसे कुछ हमारी बात हुई थी, उन्होंने खाली हमारे को यही बार बार बोला था कि आप चलो, आप अपने आप देखोगे वहां क्या होता है. तो ये जब मैं गई थी तो हम पूरी फैमिली गए थे, और ये एम्पायर स्टेट में गुरुजी का उस टाइम छोटा मंदिर जिसको बोलते हैं वो था. और वहाँ पे जब हम पहुँचे, 7:30 का टाइम था, गुरुजी अभी आए नहीं थे, और आंटी जी की वजह से हम बिल्कुल आगे बैठने का सौभाग्य हुआ. मैं आसपास देख रही थी, मैंने कहा वेरी स्ट्रेंज प्लेस, वेरी वेरी ब्राइट, बहुत वहाँ शैंडलियर थे, बहुत लोग आना शुरू हो गए थे, तो एक अजीब सी सोच थी कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई डोंट नो. ये मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को भी ये दिमाग में पहली बार ही आता है कहीं नई जगह जाने. मैं बहुत भगवान में विश्वास रखती हूँ, पर उस टाइम एक कनेक्ट करना टू अ ह्यूमन बीइंग एज गॉड वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो ऑनेस्टली मैं मजा लेने गई थी. सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर बहुत हम लोग ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, और वो उसी टाइम सोचते हैं जब हमें भगवान की जरूरत हो, बीमार हो, कुछ तकलीफ हो. गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, और मैंने ये रियलाइज किया कि शबद कीर्तन चल रहे थे और कहीं ना कहीं जब मैं आंख खोलती थी गुरुजी मेरी तरफ देख रहे होते थे, और मेरे को लगता था कि क्यों देख रहे हैं. तो मैंने अपनी आंखें बहुत टाइट से बंद कर ली, शबद शुरू हुआ, और मैं किसी और, जैसे दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है इंसान, वैसे हो गई थी. बिल्कुल कोई मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं एक हॉल में हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत शांति की फीलिंग आई. और उसके साथ साथ मुझे गुलाब की खुशबू आई, देसी गुलाब. शब्द जब खत्म हुआ तो मैं आंखें खोल सकी, बीच में आंखें ही नहीं खोल पा रही थी. जैसी आंखें खोली तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, और गुरुजी का इतना सुंदर स्माइल जो है उससे हंस के मेरे को बोलते हैं पंजाबी में, हुन दस प्रैक्टिकल ए कीसी. मैं उनकी शक्ल देखूं, एक तो गुरुजी की तब आदत नहीं थी, कैसे वो बोलते थे, वो एकदम बोल देते थे कुछ. तो मैंने देखा, मैंने कहा बोला क्या उन्होंने, तो उन्होंने हंस के मेरे को बोला हुन दस प्रैक्टिकल ए कीसी. सो इट वॉज एन एक्सपीरियंस ही वॉज गिविंग मी दैट आई एम राइट देयर. If you believe in me, if you open your mind to me, I am sure I can help you. And वो दिन और आज का दिन एक friend की तरह वो हमेशा साथ रहे. पहला दिन बीता, दूसरा दिन अपने आप मन किया जाने का, और एक time आ गया कि हम Thursday से Sunday हर एक शाम को गुरुजी के पहुंचे होते थे. वही लंगर, वही दोस्त, कितने लोगों से गुरुजी ने हमें मिलवाया. मन ही नहीं करता था. माय मदर लॉ यूज टू से चलो चंगा है, खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा. सो इट बिकेम अ थिंग विच वी स्टार्टेड बाय फीलिंग गुड. स्लोली माय होल फैमिली स्टार्टेड कमिंग अलोंग एंड इट वाज ब्यूटीफुल द होल एक्सपीरियंस. और उसी टाइम गुरुजी मेरे को बोलते थे कभी सत्संग करने के लिए तो एक चीज बोलते थे, तेरा शॉर्ट विच कहीं, तो मेरी आज सत्संग शॉर्ट ही रहेगी गुरुजी. जैसे मैं आपके सामने बोलती थी वैसे ही आज बोल रही हूँ. छोटे छोटे इंस्टेंस हैं. एक बारी ऐसे हम लोग वहाँ पे थे, 11:30 का टाइम था और हम लोग निकलने वाले थे, गाड़ी में बैठ गए और एक पीछे से कोई अंकल आए भागते हुए, और उन्होंने कहा आंटी गुरुजी बुला रहे हैं.
तो मेरे को लगा शायद वो किसी और के लिए बुला रहे होंगे, पर फिर उन्होंने कहा नहीं आपको बुला रहे हैं। हम अंदर गए, हम लोग 5-6 लोग थे, अंदर गए, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और हम चुपचाप बैठ गए। अब गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कैसे जा सकते हैं। 11:30 के 12:30 हुए, 12:30 का 1 बजा, 1:15 बजे गुरुजी हमारी तरफ देख कर बोलते हुन तुसी जाओ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि गुरुजी ने बुलाया, कुछ कहने के लिए बुलाया, क्यों हम आए वापस, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पर हम एम्पायर स्टेट से निकले, लेफ्ट टर्न करे और वहां पे उन दिनों हमारे पास पोलिस गाड़ी होती थी, सेम टू सेम एक वाइट कलर की पोलिस का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ हुआ था और कोई भी नहीं बचा था। वो शायद हम हो सकते थे। हमें उन्होंने वापस बुला लिया और किसी और उस टाइम जाना था जो चला गया। ऐसे ही टू मेक इट लाइटर, एक दिन गुरुजी की सत्संग में गुरुजी ने कुल्फी वाले को बुलाया था और बाहर लॉन होता था वहां पे एम्पायर स्टेट पे, तो हम बाहर खड़े हुए, वो तीले वाली कुल्फी में खा रही और मैं क्यू में खड़ी होकर ये सोच रही कि मैं एक कुल्फी खाऊं 2 कुल्फी खाऊं, यही सोच रही थी। तो मैंने कहा नहीं, 2 कुल्फी खाऊंगी तो बड़ा अजीब लगेगा, पीपल विल थिंक यू नो व्हाई शी ईटिंग सो मच। तो मैंने 1 कुल्फी खा के और अंदर आई। जैसे ही आई गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए, गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि जा एक कुल्फी अपनी सास वास्ते ले जा। आ प्लेस फ्रॉम गुरुजीज मंदिर वॉज अ गुड 20 किलोमीटर एंड आई वॉज वंडरिंग व्हाट्स रॉन्ग। गुरुजी मेरे को कह रहे हैं तिले वाली कुल्फी ले जा, अगस्त का टाइम है, अभी टपक रही है, घर पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने बोला है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। मैं वापस गई, फिर लाइन में लगी। जैसे ही मेरे हाथ में कुल्फी आई, पता नहीं कहां से इतनी तेज बारिश आई कि मेरे को और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पर मैंने पूरी की पूरी कुल्फी खा ली। और फिर बारिश की वजह से भागती भी जब अंदर आई तो दूर से गुरुजी बोलते खा लेती दूजी हुन जा। वो अंतर्यामी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। आपके मन में जो भी है, एक तो अच्छा सोचो, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो ना वो सुन रहे हैं, और जो वो आप उनसे मांग रहे हो ना उनको पता है आपके लिए कि क्या अच्छा है। कितनी बारी हम 10 चीजें गुरुजी से मांगते हैं पर उसमें से होती एक है, और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो शायद चीज सबसे लास्ट में हो, पर उनको पता है कि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी सर्जरी होनी थी, मुझे जाना था हॉस्पिटल, कहाँ से डॉक्टर पता चला, 2 दिन में सर्जरी अरेंज हुई, और ये अभी कोई प्लान नहीं था, 2 दिन में सर्जरी अरेंज हुई। मैं गुरुजी के पास आई, मैंने कहा गुरुजी सर्जरी है। जनरली गुरुजी हंस देते थे और बोलते थे डॉक्टर की कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, पर इस बार ही उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से डॉक्टर का नाम पूछा, हॉस्पिटल का नाम पूछा और मेरे को बोला कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू लाइफ। मैं उस टाइम समझी नहीं क्या बोला, पर आप मानोगे नहीं, जो सर्जरी के बाद मैं 3 या 4 हफ्ते में ठीक होने वाली थी, मैं 1 हफ्ते में चल फिर रही थी और गुरुजी के आश्रम पहुंची उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। इट वॉज अ कंप्लीट मिरेकल वेयर आई गॉट द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप ऑन माय फीट टू बी बैक टू नॉर्मल। पिट्यूटरी एडेनोमा एक थायराइड की ट्यूमर होती है जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि कब पूरी आपकी आईसाइट चली जाती है। मेरी ऑप्टिक नर्व के नीचे एक ट्यूमर था और वो बढ़ता ही जा रहा था और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। कैसे उन्होंने मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स में रखा, मेरी सर्जरी हुई, मेरी विजन को कोई भी, आज तक मैं देखने के लिए तो चश्मे लगाती नहीं। तो ये गुरुजी की मेहर है कि हम लोग आज खड़े हैं, आज एक दूसरे से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ऐसी छोटी छोटी बातें गुरुजी की, अभी आंटी ने मेरे से पहले लॉकेट की बात करी, मेरा भी बहुत मन था कि गुरुजी मुझे एक लॉकेट दें, पर मेन चीज ये थी कि गुरुजी दे, उनसे मांग तो नहीं सकते।
एक दिन मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, हमारे गुरुजी के सत्संग के लोग, हम तीन लोग लंगर प्रसाद कर चुके थे, बाहर खड़े थे और हम बात कर रहे थे एक दूसरे से कि मेरे को गुरुजी का लॉकेट कैसे मिले। कभी कभी कोई अंकल दे जाते हैं, पर मुझे गुरुजी के हाथ से चाहिए था। तो हम बात कर रहे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कम से कम 2-3 किलोमीटर का फासला होगा। हम ऐसी वॉक कर रहे थे बाहर, अभी आज्ञा नहीं थी, दूसरा लंगर हुआ नहीं था। एक अंकल आए और बोला, आंटी ये आप तीनों के लिए गुरुजी ने भेजा है। हाथ खोला तो देखा ज्वेलरी के छोटे छोटे पाउच थे, उसमें सिल्वर चेन और गुरुजी के लॉकेट थे। आप सोच भी नहीं सकते, खड़े खड़े इतनी आंखों में से आंसू आए कि कैसे उनको, अंदर बैठे हुए हैं, करीब 100 लोगों का लंगर चल रहा है, हम लंगर खा के सड़क के ऊपर वॉक कर रहे हैं, और उनको कैसे पता चला। बहुत ऐसे प्यारे इंसिडेंट्स जिंदगी में रहे जिसकी वजह से आगे हम गुरुजी को याद करते रहे और चलते रहे। गुरुजी की महासमाधि के बाद भी इतनी बारी उन्होंने दिखाया कि मैं तुम लोगों के साथ हूं। एक दिन हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर हम आज्ञा लेके बाहर निकल आए, मेरे हस्बैंड पीछे रह गए थे, वेट कर रहे थे हम, गाड़ी भी आ चुकी थी। मैंने कहा क्या हो गया, 10 मिनट हो गए, कहाँ रह गए। सो आई वेंट बैक इन एंड जहाँ पे उनकी अखंड जोत जलती है, हम लोग करीब 10-15 लोग वहां पे थे। मैंने कहा इतने सारे लोग कैसे इधर है, तो मेरे हस्बैंड वहां थे, उन्होंने कहा सब कह रहे हैं कि गुरुजी की छवि दिखाई दे रही है अखंड जोत में। तो मैं एकदम अजीब से एक फीलिंग हुई कि कैसे सब कह रहे हैं, जाकर देखें। आप मानो मेरे हस्बैंड थे वहां पे 10 मिनट से खड़े, उनको नहीं दिखाई दी। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ पहुंचे, एकदम सामने पूरी जोत में गुरुजी की पूरी छवि स्माइल करते हुए थी। और 1 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, हम 10 मिनट वहां खड़े रहे, वो वहीं रही। फिर हम लोग निकले कि और लोग भी आके दर्शन ले सके, पर उससे ज्यादा लोग थे नहीं। और जो मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे साथ शायद इस संगत में बहुत ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, पर मेरे लिए तो ऐसा था कि उस दिन बहुत लो फील कर रहे थे हम, इसीलिए हम गए थे। और गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग्स देकर ये कहा कि डोंट वरी, आई एम राइट देयर, व्हेन यू नीड मी आई एम ऑलवेज देयर। सो गुरुजी की तो छोटी छोटी ये बातें चल सकती हैं, और मैं कितनी बारी आपको बता सकती हूँ। मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो अनफॉर्चुनेटली उनको 2 बारी कैंसर हो चुका है। एक दिन नहा के निकली तो उन्होंने कहा कि मेरी ना आई साइट से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उनको MRI के लिए लेकर गए। और जब हम MRI के लिए लेकर गए थे तो उन्होंने बहुत घबरा रही थी। महाजन सेंटर है हमारे दिल्ली में, बहुत बड़ा, कोई वैसे वो अलाउ नहीं करते अंदर जाना, पर मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने पूरा मेरे को गाउन पहनाया, मैं अंदर गई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और बस मैंने वहां पे खड़े होकर, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बस यही कहा कि बस गुरुजी का मंत्र जाप करो। मैं खाली वहां पे कमरे में मंत्र जाप कर रही थी और उनका MRI हो रहा था, और आंखें बंद में मेरे को दिखाई दिए थे गुरुजी, मरून चोगा पहना हुआ था और अपने हाथ से सहरा रहे थे उनका सिर, और कह रहे थे, स्माइल कर रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। MRI की मशीन बंद हुई, और जैसे ही बंद हुई मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला, मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएगी। तो वहां खड़े हुए डॉक्टर भी मेरी तरफ देख रहे थे कि यू नो व्हाट इज शी डूइंग, व्हाई शी सेइंग ऑल दिस। तो जब हम कमरे से बाहर निकले, डॉक्टर से हमने पूछा कि रिपोर्ट तो कल आएगी, पर आप बताएं क्या है। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, गुरुजी हमारे साथ थे, उधर ही उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी कि तुम्हारे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है। और वो ही हुआ, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आई, थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ और उनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरे को गुरुजी
खाली एक चीज बता गए हैं कि डोंट थिंक आई एम नॉट फिजिकली देयर. बहुत मिस होते हैं, बहुत याद आती है. कभी थकते थे, पहुंचते थे गुरुजी, जिस दिन मन की शांति नहीं होती थी उस दिन जरूर मेरे को गुरुजी कहते थे इथिया हाथ दबा, और आप उनके हाथ दबा रहे हो और हंसते थे, जान नहीं है तेरे में, तो इतनी टाइट कि खुद हाथ में दर्द होने लग जाता था. पर जब हाथ दबा के मैं उठती थी तो जैसे सारी मेरी दुख दर्द सब उनके कदमों में रह जाता था. यू केम बैक रिचार्ज्ड, यू केम बैक एज इफ यू योर बैटरीज वर रिचार्ज्ड. उसके बाद आप अगले हफ्ते तक हंसते घूमते रहते थे. तो मैं तो अपनी मेंटल बैटरीज चार्ज करने जाती थी गुरुजी के वहां पे. अब कितने लोग आते थे उनके पास, उनके सामने पैसा औदा स्टेटस वो जीरो. एक बारी आए अपने कमरे से, एम्पायर स्टेट में मैं बैठी हुई थी, मेरे को बोलते हैं जा अपने प्राइम मिनिस्टर नु मिल ले. अब गुरुजी जब ऐसे बोलते थे तो समझ नहीं आती थी कि मैं जोक की तरह लू या सीरियस. तो अब उनका कमरे में मैं गई और वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुए थे, और जो गुरुजी के कमरे में उस टाइम जो स्मेल थी गुरुजी की, आप सोच नहीं सकते. अच्छे अच्छों को वो ठीक कर दे, इतनी उनकी देसी गुलाब की रोजेस की स्मेल आ रही थी. और बस उनके साथ बैठ के मैंने 15 मिनट सत्संग किया. उन्होंने पूछा आप कैसे आए, किस लिए आए, इतना अच्छा लगा. ऐसे बहुत लोगों से गुरुजी ने मिलवाया, कनेक्ट कराया, और आज हमारी जो सत्संग है वो सबसे बड़ा हमारा कनेक्शन है. हम एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, पर एक कनेक्टिंग पॉइंट है सब में, और वो है गुरुजी. आज हम इकट्ठे हुए हैं इसी के लिए. मेरे को इतने दिन से आना था, आप सबसे बात करनी थी, पर जैसे होता है ना, जिस दिन गुरुजी परमिशन देते हैं उसी दिन परमिशन मिलती है आपसे कनेक्ट होने की. सो गुरुजी इज बिन विद अस थ्रू आउट, ही इज गोइंग टू रिमेन विद अस थ्रू आउट. ओनली थिंग लाइक ही यूज्ड टू से, अपने मन को खोल लो, एक्सेप्ट व्हाट यू सी. एंड वी यूज्ड टू, आई डिडंट एक्सेप्ट इट इनिशियली. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं उसको बहुत फाइट करती थी. मैं कहती थी मैं कैसे, आई एम सो एजुकेटेड, मैं जाके वहां पे बैठी हुई हूँ, मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है जाना. ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते थे. पर फिर वो एक चीज जो समझ आ गई वो ये थी कि ही इज अ फ्रेंड जो कभी आपसे कुछ नहीं मांग रहे, पर आपको दे रहे हैं सब कुछ. आप आंखें बंद करके उनको मांगो. मैं तो रोज मांगती हूँ, खाली एक चीज उनको बोलती हूँ, बस आज का दिन अच्छा चला जाए गुरुजी. और वो शाम को उनको बस एक शुक्राना करना होता है, थैंक यू फॉर अ ग्रेट डे. एंड दिस इज समथिंग विच आई थिंक ऑल ऑफ अस हु आर हियर बिकॉज ऑफ हिम कैन फील विद मी. ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत बातें हैं. पर लाइक आई स्टार्टेड माई सत्संग बाय सेइंग That he said, short में बोलना. मैं आज short में ही बोल रही हूँ, but we'll join in again. जय गुरु जी की. बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी कि आपने मेरे को इन्वाइट किया, और इसी सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे, और जब भी आप बोलेंगे I'd love to share with you. जय गुरु जी की. हरजीत अंकल has joined us back, तो I will request हरजीत अंकल आए और अपना सत्संग शेयर करें. मेरा नाम है जसपाल अलग, एंड मैं अपना सत्संग दो पार्ट में करूंगा. मेरे को गुरुजी के चरण को स्पर्श करने का सौभाग्य पहले प्राप्त हुआ अगस्त 1998 में. तो पहले पार्ट में मैं 1998 से लेकर 2004 तक का मेरा गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस, उनकी ब्लेसिंग्स, और कल परसों पार्ट टू में जून 2004 से लेकर आज तक. सबसे पहले आपने हर बार सुना है, लोग कहते हैं मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, लोग कहते हैं कि बिना गुरुजी की आज्ञा के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई उनके पास नहीं जा सकता.
ये बहुत सत्य है। मैं 1975 से लेके 84 दो चरणों में जलंधर में पोस्टेड था और इस दौरान मैं डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर से सिर्फ 100 गज दूर में रहता था, मगर मैं कभी नहीं गया वहां पर क्योंकि गुरुजी का मेरे पे आशीर्वाद नहीं था, उनकी परमिशन नहीं थी। एक बड़े अद्भुत तरीके से मेरे को गुरुजी के पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अगस्त 1998 में एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा था बाहर घर के, एक दूर के मित्र थोड़े से जान पहचान थी आए और कार रोकी और मुझसे कहने लगे कि आउट ऑफ द ब्लू कि मैं अपने लड़के की शादी कर रहा हूं और पहला कार्ड गुरुजी को देकर आया हूं। तो उन दिनों में हमने अपने बेटी का भी रिश्ता कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि हमको भी इच्छा हुई कि कहाँ है गुरुजी, कौन से गुरुजी हैं। तो उसने हमको बताया सिर्फ बहुत शॉर्ट में कि ऐसे एक छतरपुर जगह है, वहां पे अंधेरिया मोड़ है, उसके आगे एक एम्पायर स्टेट है, उसमें 7 बजे गुरुजी मिलते हैं। तो उसी दिन शाम के वक्त हम और मेरी आंटी दोनों कार लेके गुरुजी के लिए पूछते पूछते उनके शिव उनके एम्पायर स्टेट मंदिर में पहुंच गए। उन दिनों में इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कार हम सीधी अंदर ले गए और बिल्कुल कार को गेट के सामने खड़ा किया और खोल के हम अंदर गए और बाहर करीब 8-10 जोड़े पड़े थे। तो हमने सोचा इतने ही लोग अंदर, 8-10 अंदर लोग होंगे, तो अंदर गए। लकीली जैसे ही हम अंदर गए तो देखा हमने एक अंकल गुरुजी को मत्था टेक रहे थे, तो हमको पहले एहसास हुआ कि ये हमको भी करना होगा। तो मैंने गुरुजी को जाके मत्था टेका तो गुरुजी ने पहले ही सीधा बोला कि, और मेरी आंटी मेरे पीछे थी, कि कित्थू आए। तो मैं नोएडा से था, मैंने कहा मैं गुरुजी नोएडा से। तो गुरुजी कहते नो आइडिया, तो दैट लुक टू मी लिटिल अम्यूजिंग। मैंने ऐसे चुप रहा तो गुरुजी ने कहा की गल हैगी है। तो मैंने कहा ऐसे गुरुजी मेरे लड़के का हमने सगाई की है तो उसके लिए आशीर्वाद के लिए, कहते उन्होंने फोटो लेके आ। इससे पहले मैं एक और बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने मत्था टेका तो मैंने गुरुजी के जो चरण पड़े थे वहां पे उनके ऊपर अपना नोज रखा और मेरे को रोजेस की स्मेल आई। गुरुजी ने एक दिमाग पे पर्दा डाल दिया था तो मुझको ऐसा लगा दिल में कि ये सेंट लगाया हुआ है ऊपर, और ये पर्दा बहुत टाइम तक रहा मेरे दिमाग के ऊपर। तो मैं दिखाऊंगा बताऊंगा कि किस तरह से इतने ज्यादा गुरुजी ने अनफोल्ड किए अपने शिव जी के दर्शन, बट स्टिल क्योंकि वो पर्दा डाल दिया था हम उसको कुछ नहीं समझ सके। अगले दिन मैं हमने लंगर किया, 8-10 आदमी थे, संगत थी बहुत थोड़ी थी उस टाइम, और मत्था टेका घर चले गए। अगले दिन लाए, गुरुजी ने को फोटो दी, दोनों फोटो दिखी, उन पे उन्होंने अपनी नजर डाली और ब्लेस किया और इस तरह से हम वहां पे जाने लगे। तो कुछ ही दिनों के बाद एक दिन हम थोड़े से लोग थे, उन दिनों में बहुत थोड़े लोग होते थे, तो हम बैठे थे तो गुरुजी ने कहा वो देखो सामने, उनके बिल्कुल सामने अभी भी फोटो वो लगी हुई है कौन साइड में, अमृत गिर रहा है। तो हम उठे, आंटी भी उठी, हमने वाकई में ही देखा कि वो अंदर और बाहर से फोटो गीली हो गई और हाथ लगाया तो बाहर से भी उसमें अमृत था और बहुत फ्रेग्रेंस थी। हमने कहा वन ऑफ दोज थिंग्स, बैठ गए। गुरुजी की मैं देखता था कि माता जी भी आती थी, तो मैंने 2-3 बार कोशिश की उनकी माता जी के साथ बैठा मैं, और मैंने एक बार उनसे पूछा कि कुछ गुरुजी दवारे दसो। तो माता जी ने मुझे बताया कि जब गुरुजी, 2-3 चीजें याद हैं मुझे कि जब माता जी ने बताया कि जब गुरुजी का जन्म हुआ था तो दाइयों ने कहा था कि तुम्हारे घर शिव जी का जन्म हुआ है, एंड दूसरी बात बताई कि टीचरों ने कंप्लेंट की थी कि जब स्कूल जाते थे वो पुट्टी किताब पढ़ दे, उल्टी किताब, और तीसरा मुझे इतना याद है कि उन्होंने बताया कि ये बड़े दिन से गायब हो गए थे, अब हमें पता लगा कि यहाँ आए हैं तो हम यहाँ पर आए हैं। कई बार बैठे बैठे देखते रहते थे हम गुरुजी का, आपने हर संगत कहती है आके गुरुजी का इतना
डिवाइन और इतना इतनी बड़े इतना ज्यादा ऑरा था और इतना ग्लो था उनके फेस में कि दिल करता था देखते ही रहिए। और मैं देखता था कि एक राइट हैंड से लेफ्ट साइड फोरहेड के साइड में वो रब करते थे और एक त्रिशूल का टैटू बन जाता था। ये मैंने बहुत बार देखा, बल्कि एक ऐसा आदत पड़ गई कि मैं देखता रहता था कि गुरुजी का वो त्रिशूल कब दिखाई दे मुझको। बल्कि बाद में जब पुरानी संगत को गुरुजी ऊपर भेज देते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तब भी हम सीढ़ी में जाके बैठ जाते थे सो दैट वहां से गुरुजी का ये देखें। ये फिर भी एहसान नहीं हुआ। गुरुजी जब अपने कमरे से निकलते थे, वो जो आज साढ़े गुरुजी आना है जो म्यूजिक बजता था, तो मैंने कई बार देखा राइट में देखा कि उनके कमरे से ब्लू लाइट में से वो आ रहे हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली सुधा आंटी जो वहां पे रहती हैं उनसे बात की, उनसे कहा मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लाइट दिखाते थे। एक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कई मैंने सत्संग भी सुने कई लोगों के, जनरली वहां पर सत्संग बड़े लाइट हार्टेड होते थे, गुरुजी भी बीच में स्माइल मार देते थे जब कोई बताता था कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये हो गया, गुरुजी यूज्ड टू स्माइल। हम कई बार तो ऑलमोस्ट डेली चले जाते, और इसी दौरान में एक दिन विंटर की बात है, मैंने देखा कि शौरी अंकल, अरुण शौरी, जिनको मैं जानता था पहले से, वो इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर थे और बाद में वो वाजपेयी की गवर्नमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट इन मिनिस्टर भी थे, उनको आते हुए देखा। और उनके पीछे ही हमने एक लेडी को देखा जिसको दो तीन आदमी उठाकर ला रहे थे, बाजू से पकड़ा हुआ था और वो डेंगल करती हुई अंदर आ रही और गुरुजी के सामने बिठा दिया। क्या बात हुई, हम तो दूर बैठे थे। अगले दिन जब हम दोबारा गए तो हमने देखा फिर शौरी अंकल आ रहे हैं, और वही आंटी जो पीछे उनके उठा के लोग आ रहे थे वो पैदल चलकर आ रही हैं। और बाद में मेरे को सुनने को मिला गुरुजी ने उसको कई बार डांस करवाया। 7 जुलाई 2001 को एक अंकल ने, एस के चंदर मेरा ख्याल उनका नाम था, उन्होंने एक लीफलेट बांटा और गुरुजी के जन्मदिन पे गुरुजी के बारे में एक बहुत अच्छा सा पोयम उन्होंने लिखी जिसमें गुरुजी को भगवान के रूप में डिस्क्राइब किया। मैं छोटी सी उसके चंद एक वर्ड बताऊंगा। ये ऐसा लिखा था, देवर जुबलेशंस इन द हेवन, देवर वाइब्रेशंस इन द स्काई, सेलिब्रेशंस इन द स्काई, देवर ट्यूमलेस फीलिंग्स in the earth because God has descend had decided to adopt a human form. ऐसे करते करते on this day this mass of humanity tells thee we are grateful to our Lord for your generosity. Many many happy returns of the day. All of us present here we sing to say. Now in spite of all this, कभी ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद भी काफी तार समय तक जो कुछ गुरुजी की कृपाएं हुई वो कई बार ऐसा कोइंसिडेंस लगता था। इसको मैं शॉर्ट में नरेट करूंगा। मैंने जैसे बताया कि मैं अपने बेटे की शादी के बाबत गया था और गुरुजी ने ब्लेस की थी। बाद में हमारी समधन भी वहां एक बार आई हमारे साथ, हमारी डॉटर लॉ की मदर, तो गुरुजी ने सीधे कहा तेरी कुड़ी का व्याह मैं कराया। सो गुरुजी हैड ब्लेस्ड दिस वेडिंग। नाउ फ्रॉम ऑगस्ट 1998 टू मैरिज वाज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 27th of March 1999। तो इस दौरान में हम गुरुजी के काफी जाते थे, हमने काफी सेलिब्रेशंस देखी। गुरुजी ने एक दो बार हमको अपने साथ भी ले गए। एक बार बड़े मंदिर गए, उस टाइम बड़ा मंदिर जो था वो जस्ट कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा था,
अंदर हमको कोको कोला पिलाया, किसी के घर भी ले गए हमको, वहीं कुतुब मीनार के पास एक अंकल कोई रहते थे, वहां चाय वगैरह पी। राखी पे हमारी आंटी ने गुरुजी को और जितनी भी और भी आंटीज थी उन्होंने गुरुजी को राखी बांटी। बहुत खुशी से गुरुजी अपना हाथ आगे कर देते थे और बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा। हमने 1998 की 31 दिसंबर को नया साल भी 10 जनवरी गुरुजी के वहां मनाया। अब शादी जो थी वो 27 मार्च को वसंत कॉन्टिनेंटल में दिल्ली में वसंत विहार में थी। तो रात का जो फंक्शन होता है उसके बाद मैं नोएडा में रहता था, उसके बाद करीब हमारी 12 एक बजे 8-10 यंग हमारे नेफ्यूज नीजेज नीसेज वो सब, उनके लिए मैंने एक छोटी सी मिनी बस प्लान की थी, अरेंज की थी, उसके लिए वेट कर रही थी। तो मैंने भी उसका वेट किया और जब वो सब लोड हो गई तो मैंने कहा कि चलो पीछे पीछे आ जाना। मैं अपनी कार में आंटी के साथ नोएडा वापस आ गया आउटर रिंग रोड से। वापस घर मेरे पहुंचने के आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गए, घंटा हो गया, ये बस नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, बट सडनली आई सॉ द बस कम। तो मैंने ड्राइवर से कहा क्या हो गया, तो उसने कहा कि साहब रस्ते में बस खराब हो गई थी तो ठीक कर रहा था। संगत जी, सारी लेडीज, आपको पता है हमारी पंजाबियों की शादी में कैसे सोने से लद के जाती हैं, मिडनाइट, आउटर रिंग रोड, सब सेफ पहुंचना, आज हम समझते हैं ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी और कुछ नहीं था। अगले दिन हमारा रिसेप्शन था। रिसेप्शन के बाद जो हमारा फोटोग्राफर था वो एंड में मेरे पास आया और उसने आके कहा कि साहब मैंने बहुत 400-500 मैरिजेस कवर की हैं मगर ऐसी मैरिज नहीं देखी जहां सब कुछ बड़ा स्मूथ हुआ हो, पर्टिकुलरली पंजाबियों की शादी में जहां पे खूब लिकर की बोतलें बार खुली होती है और उसके बाद झगड़ा तो जरूरी होता है, आर्गुमेंट, झगड़ा, शाउटिंग, बट वो कुछ नहीं मिला देखने को। तो हमने पहले सोचा कि शायद हमारी उस वक्त सोचा बहुत ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी बहुत अच्छी थी इस करके सब कुछ अच्छा स्मूथ हुआ। बट मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरह गुरुजी ने मुझे कहा कि जो कुछ तेरे नाल होया है लिख के लिया और रोमा आंटी नु दे दी, विच आई फाउंड सब्सिक्वेंटली इन लाइट ऑफ डिविनिटी। तब रियलाइज हुआ कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं था, सब गुरुजी की कृपा थी। बहुत अच्छे दिन थे। हमारे बच्चे शादी के बाद यूएसए हनीमून करने चले गए, उसके बाद बेटा दुबई में काम करता था, वो दुबई चला गया, बहू भी दुबई चले गई, मगर मैं किसी तरह से खुश नहीं था कि वो दुबई में है और मैं चाहता था कि वो हमारे पास ही आ जाए कहीं यहाँ पर ही। तो एक दिन मैंने जाके गुरुजी को बताया कि गुरुजी हम अगर वो यहीं नजदीक आ जाए तो अच्छा होगा। तो गुरुजी चुप रहे, हमको उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था कि वो तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है, उनको पता है क्या करना है। हफ्ता 15 दिन गुजर गए तो गुरुजी ऐसे अपने कमरे से आ रहे थे, तो मैंने जैसे बताया उन दिनों में बहुत लोग नहीं होते थे तो मैंने उनको इंटरसेप्ट किया, मैंने कहने ही लगा, मैंने कहा गुरुजी कुछ होया नहीं होने तो कर। तो गुरुजी ने कहा कि महापुरुषानू बार बार नहीं कहते हैं, महापुरुषानू बार बार नहीं कहते हैं, गुरुजी ने कहा, और साथ में ये आगे वर्ड कहा तू फिक्र ना कर या कर। संगत जी, ये शायद आखिरी टाइम था जब मैंने डायरेक्टली गुरुजी को कुछ कहा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि गुरुजी को अपने आप ही सारा कुछ पता है क्या करना है। फाइनली इस तरह से टाइम गुजरता गया। 99 दिसंबर के बाद हमने प्लान किया कि एक यूएसए का वीजा लेते हैं और जाके सब इकट्ठे फैमिली जाएंगे और हो सकता है बेटा यहाँ इंडिया में सेटल हो जाए जहां होना चाहता है। तो प्लान हुआ कि 10 जनवरी को हमारा बेटा और बहू दुबई से दिल्ली आ रहे थे, तो हमने इंटरव्यू के लिए 10 दिन की छुट्टी आ रहे थे वो अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए 11 जनवरी की डेट ले ली।
और रात को हम गुरुजी के पास चार फिल फॉर्म फिल किए हुए लेके चले गए 10 जनवरी 2000। और गुरुजी को मत्था टेका और साथ में फॉर्म हाथ में दिए, तो उन्होंने हाथ में पकड़ा। मैं क्या गुरुजी कल अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं। गुरुजी ने सीधा कहा जा तेरा कल्याण किया, मत्था टेका, लंगर खाया, लंगर लिया। और वहीं से ही 10:30 बजे हमने 11:30 फ्लाइट थी उनकी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट चले गए, वहां से बच्चों को लिया, रिसीव किया और करके हम अगले मॉर्निंग को सीधा अमेरिकन एम्बेसी चले गए, मैं, मेरी आंटी, बेटा और बहू। उन दिनों में आपको जिनको एक्सपीरियंस है, जो जिन्होंने देखा है, सिस्टम होता था कि बाहर सिक्योरिटी को अपने डॉक्यूमेंट और अपॉइंटमेंट वगैरह चेक कराने के बाद आप अंदर एक मेन हॉल में जाते थे जहां साइड में सारी खिड़कियां थी नंबर 1 to 10 और 20, और सेंटर में हॉल में एक सीनियर काउंसिलर ऊंची सी सीट के ऊपर बैठा होता था, सब लाइन लगा के अपने डॉक्यूमेंट उसको सीनियर काउंसिलर को दिखाते थे। ये प्रोसीजर था जनवरी 2000 के अंदर, अब तो सब बदल गया है। तो उसको मैंने सबसे आगे, मैं था, मेरी आंटी पीछे थी, मेरा बेटा था और बहू पीछे थी। मैंने जाकर जैसे ही अपना पासपोर्ट, सारे पासपोर्ट दिए, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा और मेरा नाम रिपीट किया। तो मैंने कहा यस। तो वो कहता है कि इज दैट योर गर्लफ्रेंड एट द बैक? तो ऑब्वियसली आई स्माइल्ड, आई सेड नो, शी इज माई वाइफ। तो अगली बात वो मुझसे ये कहता है सीनियर काउंसिलर की, हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10-year visa? हम गए थे सिर्फ विजिटर वीजा जो कि 6 महीने का होता है, B1 B2 visa। तो मैंने कहा 10-year visa? कहते यस। आई सेड आई विल अप्रिशिएट इट। मैं पहले, उसने कहा कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10-year visa? तो मैंने कहा कि टू ऑल 4 of us? कहता यस। तो मैंने कहा आई विल अप्रिशिएट इट। तो उसने हमको कहा कि गो टू विंडो नंबर 1 विच वॉज मेंट फॉर 10 साल के वीजा वालों के लिए। संगत जी, जैसे हम वहां पर गए, हमको, हमने अपनी फीस वगैरह भरी, 10 साल का वीजा मिला, मगर एहसास हुआ हमें, या तो गुरुजी, हम सुनते थे इस तरह की मिरेकल्स, गुरुजी खुद थे या गुरुजी ने उस काउंसलर का माइंड कंट्रोल किया हुआ था और जो वो उन्होंने कहा वही वो कर रहा था। उन दिनों में गुरुजी बहुत कॉमन था, पुरानी संगत को याद होगा, गुरुजी कई बार कहते थे कि नहीं ये तेरी गर्लफ्रेंड है पीछे, वो कहते नहीं गुरुजी मेरी वाइफ है, कहते गर्लफ्रेंड है। सो दिस वाज वेरी कॉमन। सो दैट इज वेयर हमको ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी वहां पर, शाम के वक्त हम उसी दिन चारों लोधी रोड में किसी अंकल के घर सत्संग था, गुरुजी आए हुए थे वहां पर, तो हमको इंफॉर्मेशन मिल गई थी, हम वहां पर गए, गुरुजी को माथा टेका और इससे कुछ कहने से पहले गुरुजी ने कहा मैंने पता है जा बैजा, हमको 10 साल का वीजा मिल गया। ये थी गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर। वीजा मिलने के बाद हमारा बेटा दिल्ली में ही रह गया और वो नहीं गया वापस, और गुरुजी के आशीर्वाद से उसको, टेलीकॉम इंजीनियर, उसको टेलीकॉम कंपनी में जॉब मिल गया। ये एक बहुत ही सुखदायक हमारे लिए समय था कि हम घर में नीचे रहते थे, हमारा बेटा फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे एक ग्रैंडसन हुआ जिसको हम काफी बार गुरुजी के ले जाते थे। गुरुजी की इतनी हमारे पर कृपा थी, हमको कभी गुरुजी ने कोई फिक्स टाइम नहीं दिया कि तुसी थर्सडे आओ फ्राइडे आओ, हमको जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती थी, गुरुजी की आज्ञा होती थी, हम पहुंच जाते थे, बच्चों को भी ले जाते थे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बल्कि एक जब वो करीब ग्रैंडसन हमारा 2.5-3 साल का मेरे ख्याल हो गया था, एक दिन हमने माथा टेका और जैसे ही हम वापस निकलने लगे तो सीढ़ियों के पास ही अंदर ही वो जोर से कहता है कि ना गुरुजी क्लाउड्स में, ही विल गो टू क्लाउड्स नाउ। तो आई एम श्योर गुरुजी नोज दिस, ही ब्लेस्ड हिम एंड दिस इज हाउ अवर जर्नी विद सो डिवाइन विद गुरुजी। द लंगर यूज्ड टू बी डिवाइन,
आई हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग लंगर विद फील्ड मार्शल मानिक शाह इन दैट फोरसम, चार जो लोग एक थाली में होते हैं, और वो पहले दिन आए थे और उन्होंने पहला ही मॉर्सल अपने जैसे ही ग्रास अपने मुंह में डाला, उन्होंने कहा इट्स अ डिवाइन लंगर। मैं थोड़ा सा अभी बताना चाहूंगा, गुरुजी महाराज 56-57 साल इस धरती पे फिजिकल फॉर्म में रहे, ही क्योर्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ब्लेस्ड हंड्रेड्स, एंड देर आर एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड वेर पीपल वर ब्लेस्ड, कैंसर वर क्योर्ड, दीज वर वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी स्मॉल। एक बार मैं गुरु जी को, एक अंकल जो जलंधर से उनको जानते थे उनके साथ गया, तो उस अंकल को गुरु जी ने कहा इतने सारे लोग माड़ी चीजा मांग दे, असली चीज कोई नहीं मांग। वो पर्दा डला होने की वजह से हम गुरु जी को इंसिस्ट नहीं कर रहे कि हमको गुरु जी कोई वो असली नाम बताओ, नाम दो। मैंने शिव पुराण पढ़ी अभी, और एक बहुत अच्छा सा सीरियल आता है देवों के देव महादेव, उसमें मैंने देखा कि ये 50-60 साल पहले भगवान के लिए बहुत छोटा सा पीरियड है, क्योंकि हजारों साल से सृष्टि को चला रहे हैं, उनके तपस्या ही लोगों ने हजार हजार साल की हुई है। तो एक वो छोड़े से टाइम के लिए गुरुजी महाराज जमीन पर आए, ब्लेस किया हजारों लाखों लोगों को, उन्होंने एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर बनाया जिसमें इतनी ताकत डाल दी कि आज लाखों लोग उससे ब्लेसिंग लेते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि देवों के देव में एक असुरा अरुणासुर हैं, जो कि जिनको ब्रह्मा से वर मिला था कि उनको कोई भी विनाश नहीं कर सकता, तो उनकी माँ जो थी उसकी डेथ हो गई थी अरुणासुर की, और वो उसको जीवित करना चाहते, और उसके लिए वो देवों से लड़ रहे थे, उन्होंने देवों को कैद कर लिया। शिवजी ने अपने बेटे कार्तिकेय को भी उसके पास भेजा, कार्तिका को उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया कि उनको कहा कि क्योंकि कार्तिकेय अपनी माँ पार्वती को बहुत प्यार करते थे, कि इनको मैं शिवजी को कह के जीवित करा दूंगा। वो शिवजी के पास आए, शिवजी ने कहा कि इनको जीवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कारण है कि इससे जो सृष्टि की जो नियम है वो बिगड़ जाएंगे। आप सबने गुरुजी महाराज के भगत किशोरी अंकल का सत्संग सुना होगा, जहां पर उनकी मदर की कहीं कांगड़ा या कौन सी जगह पे, गुरुजी मेरे ख्याल चंडीगढ़ थे, उनकी डेथ हो गई, और गुरुजी ने वो पूछते रहे, सोचते रहे कि मैं गुरुजी से कहूं कि उनको मैं मिलने जाऊं, बट 13वें दिन गुरुजी ने अपनी चेयर के ऊपर उनकी मदर को उसके दर्शन कराए, और वहीं पर उसने माथा टेका। तो ये इस तरह के हैं वो गुरुजी शिवजी महाराज। हमको सबको शिवजी महाराज पर से प्रार्थना करनी चाहिए, दिल से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो खराब टाइम है, गुरुजी महाराज जल्दी जल्दी ठीक करें इसको। हमारी जिस तरह से संगतें पहले जुड़ती थी, आज मुझको पूरा यकीन है कि उससे 100 times ज्यादा जुड़ेंगी। हम उसी माहौल में जाएं और प्रभु का नाम लें, सारी संगत पूरी ब्रह्मांड को, मनुष्यता को, हमारी गुरुजी की प्यारी संगत को, सब को ब्लेस करें। 14 मार्च को लास्ट सत्संग नोएडा में 30 सेक्टर में, एक नामा अंकल हैं, उनके बहुत प्यारा सत्संग होता है, 400-500 लोग आते हैं, सत्संग हुआ था। तो मैंने उस दिन बिना रियलाइज किए कि ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन कैसी है, मैंने ये प्रे किया था कि गुरुजी महाराज सारों संगत का, सृष्टि का कल्याण करें। आज फिर वही मैं रिपीट करता हूँ, जल्दी जल्दी सब ठीक करें, सबको तंदुरुस्तियां बख्शें, सेहत बख्शें, मनोकामना पूरी करें, सबको सेफ रखें,
ब्लेस करें। जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी महाराज।